बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्पीकर साहब, मैं एक चीज़ की वजाहत करना चाहता हूँ, चूँकि मैं इस ईवान का दूसरी दफ़ा मुंतखब MLA हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1,20,000 वोट लिए हैं और पिछली दफ़ा मैं 80,000 वोट लेके आया था इस ईवान में, और मुझे इस ईवान की तकद्दस का भी पता है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक एजुकेटेड, मैंने MSc ऑनर एग्रीकल्चर किया हुआ है और मैं एक सियासी कारकुन हूँ। मुझे अपने बड़ों का पार्टी की लीडरशिप की जानिब से मुझे ये तरबियत दी गई है कि आपने इज्जत कैसे करनी है बड़ों की, रिस्पेक्ट कैसे करनी है। लेकिन स्पीकर साहब ने अब से पहले जब वो इधर बैठे थे और मिनिस्टर साहब ने भी अपनी तकरीर में इसका जिक्र किया, हालांकि अपोजिशन लीडर साहब का उन्होंने माइक बंद किया और मैं खड़ा हो गया कि जी इनका माइक खोले। तो स्पीकर साहब, चूंकि मुझे नहीं पता कि उनको क्या तकलीफ है मुझसे, अगर इस ईवान में बैठे फॉर्म 47 के जरिए मुंतखब कराए MNAs को मैंडेट चोर डाकू चोर कहना गुनाह है, तो यह गुनाह मैं बार बार करता रहूंगा। अगर इस ईवान में जमहूरी तरीके से प्रोटेस्ट करना ये गलत काम है, तो ये मैं बार बार करता रहूंगा। एक चीज डिप्टी स्पीकर साहब, के मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी स्पीकर साहब के साथ बदतमीजी की गई है, हालांकि आप रिकॉर्ड उठा के देख ले मेरे पिछले 3.5-4 साल और इस दफा के, मैं कभी भी गैर जमहूरी एक लफ्ज भी इस ईवान के अंदर नहीं बोलूंगा। ये मेरी तरबियत है चेयरमैन इमरान खान की। शुक्रिया शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया जी। डिप्टी स्पीकर साहब, वो ये कि इस ईवान में जो हमें भाषण दिए जा रहे हैं कि जी ईवान को हमने चलाना है, इमरान खान को रिहा नहीं करेंगे, ईवान नहीं चलने देंगे।